श्री परमात्मनि नमः। श्री विष्णु अष्टोत्तर शतनाम। भक्तजनों, भगवान विष्णु के 108 नामों का जप करते हैं। ओम विश्वस्मै नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम वषट्काराय नमः, ओम भूत भव्य भवत् प्रभवे नमः, ओम भूत कृते नमः, ओम भूत भृते नमः, ओम भावाय नमः, ओम भूतात्मने नमः, ओम भूत भावनाय नमः, ओम पूतात्मने नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम मुक्तानां परमायै गतये नमः, ओम अव्ययाय नमः, ओम पुरुषाय नमः, ओम साक्षिणे नमः, ओम क्षेत्रज्ञाय नमः, ओम अक्षराय नमः, ओम योगाय नमः, ओम योगवेदां नेत्रे नमः, ओम प्रधान पुरुषेश्वराय नमः, ओम नारसिंह वपुषे नमः, ओम श्रीमते नमः, ओम केशवाय नमः, ओम पुरुषोत्तमाय नमः, ओम सर्वस्मै नमः, ओम शर्वाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम स्थाणवे नमः, ओम भूतादये नमः, ओम निधये व्ययाय नमः, ओम संभवाय नमः, ओम भावनाय नमः, ओम भर्त्रे नमः, ओम प्रभवाय नमः, ओम प्रभवे नमः, ओम ईश्वराय नमः, ओम स्वयंभुवे नमः, ओम शंभवे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम पुष्कराक्षाय नमः, ओम महास्वनाय नमः, ओम अनादिनिधनाय नमः, ओम धात्रे नमः, ओम विधात्रे नमः, ओम धातवे उत्तमाय नमः, ओम अप्रमेयाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम अमरप्रभवे नमः, ओम विश्वकर्मणे नमः, ओम मनवे नमः, ओम त्वष्ट्रे नमः, ओम स्थविष्ठाय नमः, ओम अस्थविराय ध्रुवाय नमः, ओम अग्राह्याय नमः, ओम शाश्वताय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम लोहिताक्षाय नमः, ओम प्रतर्दनाय नमः, ओम प्रभूताय नमः, ओम त्रिककुब्धाम्ने नमः, ओम पवित्राय नमः, ओम मंगलपराय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम प्राणदाय नमः, ओम प्राणाय नमः, ओम ज्येष्ठाय नमः, ओम श्रेष्ठाय नमः, ओम प्रजापतये नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम भूगर्भाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम ईश्वराय नमः, ओम विक्रमिणे नमः, ओम धन्विने नमः, ओम मेधाविने नमः, ओम विक्रमाय नमः, ओम क्रमाय नमः, ओम अनुत्तमाय नमः, ओम दुराधर्षाय नमः, ओम कृतज्ञाय नमः,
ओम कृतये नमः, ओम आत्मवते नमः, ओम सुरेशाय नमः, ओम शरणाय नमः, ओम शरमणे नमः, ओम विश्वरेतसे नमः, ओम प्रजाभवाय नमः, ओम अहने नमः, ओम संवत्सराय नमः, ओम व्यालाय नमः, ओम प्रत्ययाय नमः, ओम सर्वदर्शनाय नमः, ओम अजाय नमः, ओम सर्वेश्वराय नमः, ओम सिद्धाय नमः, ओम सिद्धये नमः, ओम सर्वादये नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम वृषाकपये नमः, ओम अमेयात्मने नमः, ओम सर्वयोगविनिःसृताय नमः, ओम वसवे नमः, ओम वसुमनसे नमः, ओम सत्याय नमः, ओम समात्मने नमः, ओम असम्मिताय नमः, ओम तत्सदिति श्री महाभारते शतसाहस्रयां संहितायां वैयासिक्यामानुशासनिके पर्वणि भीष्म युधिष्ठिर संवादे श्री विष्णोर्दिव्य अष्टोत्तर शतनाम संपूर्णम्। श्री हरि शरणाष्टकम्। धेयं वदन्ति शिवमेव हि केचिदन्ये शक्तिं गणेशमपरे तु दिवाकरं वै रूपैस्तु तैरपि विभासि यतस्त्वमेव तस्मात्त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो तस्मात्त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो नो सोदरो न जनको जननी न जाया नैवात्मजो न च कुलं विपुलं बलं वा संदृश्यते न किल कोऽपि सहायको मे तस्मात्त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो तस्मात्त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो नोपासिता मदमपास्य मया महान्तः तीर्थानि चास्ति कधिया नहि सेवितानि देवार्चनं च विधिवन्न कृतं कदापि तस्मात्त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो तस्मात्त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति चित्तं शरीरमपि रोगगणा दहन्ति संजीवनं च परहस्तगतं सदैव तस्मात्त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो तस्मात्त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो पूर्वं कृतानि दुरितानि मया तु यानि स्मृत्वाखिलानि हृदयं परिकम्पते मे ख्याता च ते पतित पावनता तु यस्मात्
तस्मात्त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो तस्मात्त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो दुःखं जराजननजं विविधाश्च रोगाः काकश्वसूकरजनिर्निरये च पातः ते विस्मृतेह फलमिदं विततं हि लोके तस्मात्त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो तस्मात्त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो नीचोऽपि पापवलितोऽपि विनिन्दितोऽपि ब्रूयात्तवाहनमिति यस्तु किलैकवारम् तं यच्छसीष निजलोकमिति व्रतं ते तस्मात्त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो तस्मात्त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो वेदेषु धर्मवचनेषु तथागमेषु रामायणेऽपि च पुराणकदम्बके वा सर्वत्र सर्वविधिना गदितस्त्वमेव तस्मात्त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो तस्मात्त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो तस्मात्त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो इति श्रीमत्परमहंसस्वामिन् ब्रह्मानन्दविरचितम् श्रीहरिशरणाष्टकम् सम्पूर्णम् तस्मात्त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो तस्मात्त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो बृहस्पतिवार है। कुछ लोग इसे वीरवार अथवा गुरुवार भी कहते हैं। यह दिवस भगवान श्री हरि विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। जो भक्त बृहस्पतिवार को भगवान श्री हरि विष्णु का उपवास रखता है, सारा दिन हरि भजन और कीर्तन करता है, सायंकाल व्रत कथा सुनने के पश्चात पूजन चालीसा आरती कर पीले रंग के मीठे भोजन से भगवान को भोग लगाता है और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करता है, वो भक्त जीवन में समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। तो आइए सुनते हैं संगीतमय पावन बृहस्पतिवार व्रत कथा। श्रीमन नारायण हरि गालो, श्री विष्णु जी को ध्यालो, हो कल्याण जी पाओगे मुक्ति वरदान जी। बृहस्पतिवार के व्रत की गाथा पार हुआ जो सुनता सुनाता, ले लो नाम जी पाओगे मुक्ति वरदान जी।
महाप्रतापी राजा राज्य किया करता था। अत्यंत प्रजावत्सल और धर्मपरायण था। यथा संभव ब्राह्मणों एवं दरिद्रों को दान पुण्य किया करता था। परंतु उसकी रानी पूर्णतः नास्तिक थी। स्वयं तो पूजा पाठ करती नहीं थी और राजा को भी दान पुण्य करने से रोका करती थी। एक समय राजा आखेट करने हेतु वन गए हुए थे। उसी समय देव गुरु बृहस्पति दरिद्र ब्राह्मण के वेश में राजमहल में आए और भिक्षा मांगने लगे। रानी तो पहले से ही दान पुण्य से दुखी थी। देव गुरु बृहस्पति रूपी ब्राह्मण से बोली, हे ब्राह्मण देव, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। भगवान करे हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, ताकि न रहे बांस और न बजे बांसुरी। गुरु बृहस्पति ने उसे लाख समझाया, परंतु वो न मानी। देव गुरु बृहस्पति करते भी तो क्या, तथास्तु कहकर उसे धन संपत्ति नष्ट होने का उपाय बताकर अंतर्ध्यान हो गए। गुरुवार को घर को लीपना, पीली मिट्टी से स्नान भी करना, मिल जाए यश वैभव सब कुछ खो जाए, घटे नाम जी दुनिया हो जाएगी वीरान जी, जी। श्रीमन नारायण हरि गालो, श्री विष्णु जी को ध्यालो, हो कल्याण जी पाओगे मुक्ति वरदान जी। लगातार तीन बृहस्पतिवार ऐसा ही किया था भक्तों, और देखते देखते उनकी सारी धन संपत्ति सुख यश वैभव सब समाप्त हो गया। कल तक जो राजा धन धान बांटता था, आज स्वयं एक एक अन्न के दाने को तरस गया था। एक दिन राजा के मन में विचार आया कि वो परदेश जाकर कुछ धंधा करेगा, वहीं से कुछ पैसे जोड़कर रानी को भेजेगा। यह सोचकर रानी के साथ एक दासी को छोड़ा और स्वयं परदेश चला गया। वहां लकड़ी काटकर बेचता, बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन करता। इतना भी धन नहीं कमा पाता था कि रानी को कुछ भिजवा सके। और इधर जब 7 दिनों तक लगातार रानी और दासी दोनों भूखे रहे, तब रानी ने अपनी दासी को पास के नगर में रहने वाली अपनी बहन के पास मदद मांगने हेतु भेजा। आगे क्या हुआ, आइए सुनते हैं। गुरुवार का व्रत वो करती रानी की बहना, पूजन करती सब बात बताई, पर बहना से ना उतर पाई। दुखी वो मन से वापस आई, रानी को सब बात बताई, हुई हैरान जी कैसे है फूटे मेरे भाग जी। नारायण को गालो, श्री विष्णु जी को ध्यालो, हो कल्याण जी व्रत की कथा है ये महान जी, व्रत की कथा है ये महान।
जब गुरुवार का व्रत पूजन समाप्त किया तो भागी भागी अपनी बहन के पास आई। बोली, बहना मैं बृहस्पतिवार का पूजन कर रही थी, इस पूजन के बीच में न तो उठते ही हैं और न ही किसी से कुछ बोलते हैं, इसीलिए मैंने तुम्हारी दासी की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। रानी ने जब अपना सारा हाल अपनी बहन को रो रो सुनाया तो वो बोली, बहना भगवान बृहस्पति देव अत्यंत दयालु और कृपालु हैं, तू सच्चे मन से उनका ध्यान लगा, उनसे अपने किए की क्षमा मांग, वो तुझे अवश्य ही क्षमा कर देंगे। रानी ने ऐसा ही किया कि तभी रसोई घर से कुछ आवाजें आने लगी। दासी ने दौड़ कर देखा तो क्या देखती है कि बर्तन अनाज से भरे हुए हैं। बृहस्पति देव की कृपा से सबने प्रेम से भोजन ग्रहण किया। भोजन के पश्चात रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार पूजन की व्रत विधि और व्रत कथा पूछी तो बहन ने ये बताया, दाल चने और लेना मुना का पूजा के फिर थाल सजाना, विष्णु जी का पूजन करने केले की तुम जड़ में जाना, पीले वस्त्र को धारण करना, पीला मीठा भोग लगाना, हो कल्याण जी देंगे दया का हरिदान जी, श्रीमन नारायण को गालो, श्री विष्णु जी को ध्यालो, हो कल्याण जी व्रत की कथा है ये महान जी, बृहस्पतिवार रानी व दासी दोनों ने गुरुवार का व्रत रखा। हाल में थोड़ी सी चना दाल, गुड़ और मुनक्के रखे, केले की जड़ में जाकर भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया, पीले वस्त्र धारण किए। सायंकाल पूजन आरती और व्रत कथा के पश्चात जब भोग लगाने लगी तो क्या देखती है कि थाल में मीठा पीला भोजन तो है ही नहीं। दोनों सच्चे मन से भगवान बृहस्पति देव का सुमिरन करने लगी कि तभी क्या देखते हैं कि थाल में देशी घी के बने बेसन के लड्डू भरे हुए हैं। दोनों ने मिलकर भगवान को भोग लगाया ही था कि भगवान की कृपा से राजा भी कुछ धन कमाकर परदेश से वापस आ गया। धीरे धीरे उनका खोया धन यश वैभव वापस आ गया। अब राजा रानी नित्य प्रति बृहस्पतिवार का व्रत रखते, पीले वस्त्र धारण करते, पूजा की थाल में गुड़ चना और मुनक्के लेते, केले की जड़ में जाकर श्री हरि विष्णु का ध्यान लगाते, सायंकाल पूजन आरती के पश्चात व्रत कथा सुनते, मीठी पीली वस्तु का भोग लगाते, भगवान की कृपा से पहले की ही तरह राजा रानी दान पुण्य करने लगे और जीवन के समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुए। इसी तरह भक्तों, यदि कोई प्राणी बृहस्पतिवार का पावन व्रत पूरे श्रद्धा भाव के साथ रखता है और सभी नियमों का पालन करता है, वो प्राणी श्री हरि की विशेष कृपा को प्राप्त करता है। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की। वीरवार व्रत कर जाओगे भव सागर से तर जाओगे, चंदन तिलक जो कर
तुम पा जाओगे। बेड़ा श्री हरि पार लगाए, भक्तों पर कृपा बरसाए, देवर दान जी भक्तों का होगा कल्याण जी। श्रीमन नारायण को गालो, श्री विष्णु जी को ध्यालो, हो कल्याण जी, व्रत की कथा है ये महान जी।